हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं को ब्रांड न्यू गेम प्ले लेके पबजी लाइट के। तो गाइस, इस मैच में ऐसा होता है जो प्लेन पाथ था वो जाता है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो मैच है ये पूरा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पे ही खत्म हो जाएगा शुरू से लेके लास्ट तक। अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, मैं यहाँ पे उतर रहा था ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खेल रहा था सोलो स्क्वाड और यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ उतर जाती हैं पूरी एक स्क्वायर मारने के बाद यहाँ पे और स्क्वायर आती रहती हैं। कैसे लिए आगे कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे मैं पैराशूट से उतर रहा था, मैस वाले घर के अंदर गया तो मुझे नीचे एक भी गन नहीं मिली, बस यहाँ पे अंदर एक 2x स्कोप मिला। तो मैं ऊपर गया, मैंने सोचा ऊपर एक गन मिल जाएगी, तभी मैंने देखा ऊपर भी कोई गन नहीं। तो मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर गया, तभी मुझे यहाँ पे शॉट गन दिखी। शॉट गन इसी मिली मुझे, राइट लेफ्ट में दो बंदे भागते हुए दिखे। मैंने शॉट गन से इसलिए फायर नहीं करा क्योंकि शॉट गन क्लोज रेंज गन है, इतनी दूर नहीं लगती नहीं। तभी मैंने सोचा इस घर में लूट लेते, तभी मुझे यहाँ पे यूज ही मिल गया और लेवल 2 का हेल्प। मैंने कहा चलिए अब इन पर रश कर देते हैं। जैसे मैं शॉट गन लेकिन इन पर रश कर रहा था, मुझे साउंड आ जाता बंदा नीचे वाले फ्लोर पर लूट कर रहा है। तभी मैं अंदर गया और मैंने इसको दो शॉट मारे हुए नॉक, और तुरंत ही मैंने गाइस इसे यूज से फिनिश कर दिया। तो गाइस, आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं इस बंदे को मार रहा था मेरे पीछे से बहुत सारी फायरिंग की साउंड आ रही थी। तो मैंने सोचा मेरे पे हेलमेट वैसे नहीं है तो मैं इस बंदे की क्रेट लूट लेता हूँ गेट बंद करके। जैसे मैंने इस बंदे की क्रेट लूटी तो मुझे M4 ऑटोमेटिक दिखी, तो मैंने यूजी की जगह M4 उठा ली। जैसे मैं M4 उठा रहा तो मुझे बंदों के फूट के साउंड आ रहे थे जो कि मेरे बंदा पीछे था। मैंने सोचा ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते से मारेंगे। तभी मुझे लेवल 3 की मशीन मिली, मैंने कैसे उठा लीजिए। इसी में ऊपर के मुझे सामने ट्री पर एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने इस बंदे को स्प्रे दिया और इस बंदे को नॉक कर दिया। इसी में इस बंदे को फिनिश कर रहा था, फिनिश नहीं हो पा रहा था, इसको बहुत सारी एमो लग रही थी फिनिश करने के लिए। मेरी गन लोड पे रही और मैंने टैप टैप करके इस बंदे को फिनिश कर दिया। इसी में इस बंदे को फिनिश करता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ और मैं पीछे जाता हूँ जहाँ से फायरिंग हो रही थी। बंदे मुझे दिख चुके थे, बंदा था वो सामने रेड वाले घर में था। जैसे मैं आगे गया वो भी मुझे मारने आ रहा था, वो देखे आपको विंडो पर बंदा दिखा होगा सामने। जैसे वो बाहर निकला मैंने M4 का स्प्रे दिया, उसको बहुत सारा डैमेज हुआ, 1 HP बचा हुआ था। तभी वो भाग और मेरी गन लोड पे चली गई, मैंने उस पर रश किया। तो कहीं से भागते भागते मुझे हेल्प लगा कर, मैंने हेल्प लगाते लगाते ही उसे पकड़ लिया। तो मुझे और बंदे को उससे पा रहे थे तो इसलिए मैंने उसको फिनिश कर दिया। तो मेरी गन लोड पे आ गई, जैसे इसे फिनिश करने गया वैसे ही लोग। तो ऐसे मुझे आपको बता रहा था मुझे बहुत सारे पूछ से पा रहे थे, मैंने सोचा इससे पहले मेरी पेटी बन गया तो मैं इसकी क्रेट लूट लेता हूँ क्योंकि मेरे पे हीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी क्रेट लूट के बाद मुझे M4 की बहुत सारी एमओ और मिल जाता 6x और ट्रिंक। तो गाइस, इस बंदे को मारने के बाद मुझे लगता है पूरा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो खाली हो चुका है, इसलिए मैं कार के पास आया और बंदे ढूंढने। तो जैसे मैं कार में बैठे तब देखा गाइस क्या हुआ, मैं यहाँ से सीधा जा रहा था बंदों के पास, मुझे तभी सामने छोटे घर में एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने सोचा इसको दिखे मारते हैं, जैसे मैं रुका ये बंदा कर चुका था कैन। मैं उसको बहुत ढूंढा लेकिन ये मेरे को मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा इनके सामने रश करना एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैं इसको यहीं से स्पोर्ट कर रहा था। मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा ना कैंप पर है, तो मैं सोच रहा कार ले जा, ऐसे में कार ले जा रहा हूँ। उसने दे दिया और मेरी हेल्प कर दी, मुझे पक्की की समझ भी आई कि मैं हेल्प लगा रहा था। ऐसे सामने देखा तो पक्की आ गई, मैंने टक्कर मार दी, मैंने कार अपनी भगा दी। मैं सोचा इसको सामने घर पे है, जो सामने हम बंदा मारते उस घर में जाते और वहाँ से इसको मारते हैं। वहाँ से बहुत अच्छा एंगल बना, इसी में इस घर में आया मैं यहाँ पे कार छोड़ी। और इसमें पे आप देख सकते हैं हीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस 2-3 बैंडेज है। तो मैंने यहाँ पे बैंडेज मारी एक 6x को छोटा करा और एक बैंडेज मारी और एक ड्रिंक मारी। तो हेल्थ लगाने के बाद इस मैंने सोचा बंदे ने सामने से फायर करा तो बंदा रेड वाले घर की छत पे गया। तभी मैंने पीक ली और स्कोप ऑन करा और उसे देखा, तभी गाइस मुझे वो बंदा नहीं दिखा। मैंने सोचा अपना एंगल चेंज करते और लेफ्ट की तरफ से देखते हैं, क्या पता वो बंदा मुझे दिख जाए। जैसे मैं लेफ्ट आया मैंने उस बंदे को दोबारा देखने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने थोड़ी देर उसको स्पॉट ही कर रहा था, मैंने सोचा इस घर पर छत भी नहीं है और मेरे को हाइट एडवांटेज चाहिए। तो मुझे लगा कि पीछे घर है मेरे, तो मैं उस घर में गया, मुझे लगा उस घर से बढ़िया एंगल मिल गया। जैसे मैं इस घर में आया मैं ऊपर गया, मैं क्रेट लूटने लगा कि मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं ऊपर गया, बंदे को मैं सपोर्ट कर रहा था धीरे धीरे, मैं देख रहा था वो बंदा कहाँ शेट में है, छोटे वाले घर में है, रेड वाले घर में है। तभी गाइस आपके हल्की साउंड आ गया, मैं पीछे गया, मुझे पीछे उनका स्प्रे आया। बस मैंने देखा वो बंदा जो है वो उस कमरे में है अंदर। मैंने सोचा विंडो के पास जाते हैं वहाँ से बस कैंडल बंद, इसी में विंडो के पास गया, मुझे पूछ जा पा रहे कि वो बंदा
नहीं तो मेरे सामने वाली है। मुझे पूछता पाए कि वो कूद गया नीचे, अभी देखना भाई वो कूद ये कूद गया वो मुझसे मेरे पर रश करने आ रहे पहलू ना इस पर रश कर उसके पटरी से इस पर रश करते इसमें सीढ़े पर टिपू लेते हैं ये मुझे दिख जाते कपड़े के पीछे टिपू लेते हैं मैं रश करा मैंने उसको एक गोली मारी चौक दिन के मैंने अपनी एम4 निकाली और एम4 निकालने के बाद मैंने उसको मार दिया। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैंने इसको तुरंत फिनिश करा उसको फिनिश जैसे मैंने करा मैं हेल्थी लगाने वाला था तभी मुझे बंदे की एक और फुट स्टेप मैंने हेल्थ लगाई और तभी मैंने देखा सीढ़ियों पे वो बंदा आ चुका तो मैंने अपनी चुप कर निकाली और उसको भी एक छोड़ दिया लेकिन मेरी कपड़ी और चली गई उसको फिर मैंने जैसी मैं इस बंदे को मारा और मैंने हेल्थ लगाई तो गाइस उस बंदे को मारने के बाद मैं बंदे ढूंढ रहा था तभी उनके सामने से ड्राइविंग और इतना स्ट्रक गया तभी गाइस मुझे दो बंदे वहाँ लड़ते हुए मैं खास ही खुदा मैंने एम4 निकाली एम4 का फिर से मैंने बैठ और एक बंदे को नॉक करा दूसरे बंदे को तभी मैं ढूंढने लगा मैंने सोचा मेरा खेलना शुरू होकर मैंने उसको इंसान फिनिश करने की कोशिश की फिर मेरी गति लौट के चली मैंने मैं सोच चलिए इसको बाद में फिनिश कर देंगे पहले कार लेके उन दो बंदों पर रश कर जैसे मैं कार में बैठा मैंने सीधा बंदे पर रश करा मैंने सोचा यहाँ पे जो पहाड़ सा इसके ऊपर चलते हैं यहाँ से मुझे हाइट का एडवांटेज होगा यहाँ से मुझे बंदे दिख भी चले फिर बंदे देख रहा तो मुझे एक भी बंदे का सपोर्ट नहीं हुआ तो मैंने सोचा नीचे चलते हैं और फिर मैं नीचे गया नीचे जा रहा मुझे लगा यहाँ पे बंदा तो वो फायरिंग भी देख रहा है मेरा किल भी मुझे आया था मैंने सोचा पता तो मुझे दिखने रहा चलिए इसकी ब्रेक टूट गई ऐसे मैंने कार अंदर आई ब्रेक टूटने के लिए यहाँ पे मेरी कार अटक गई मैं कार से उतरा मैंने यहाँ पे इसकी ब्रेक लूटने दी एकदम जान से मुझे बंदा नहीं मारा जैसे मैं इसकी ब्रेक लूट रहा था मुझे आ रही थी बंदे की फायरिंग साउंड ऐसे मैंने इसकी ब्रेक लूटी मुझे बंदा पता चल गया कि बंदा मेरे सामने है फिर से उसके साथ बंदा आया मैंने इसको नॉक करा यहाँ पर कुछ मेरे सेटिंग वाला बटन खुल गया था और मैंने इसका नोट कर दिया ऐसे मैं इसको रिलोड कर रहा था तभी मुझे सामने एक बंदा स्पॉट दिया मैंने पीट लिया और इसको भी नोट करके फिनिश कर दिया। तो अगर आपको ये दो किल अच्छे लगे तो लाइक कर देगा ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं बंदे ढूंढ रहा था तभी मैं पूरा मैं ढूंढा लेकिन मुझे बंदे नहीं मिले तो मैं दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट पे आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सामने ड्रॉप था तो मुझे लगा ड्रॉप पे जरूर बंदे आए होंगे तो मैं ऊपर गया मैं कहा ऊपर से बड़ी एंगल मिलेगा इसी ऊपर गया मुझे सामने आप देखे हो ट्री है जो वहाँ पे लेफ्ट में वहाँ पे मुझे एक बंदा देखे स्पॉट पर रह गया जहाँ मैंने मार्क अभी लगाऊंगा अभी जहाँ मैंने मार्क लगा तो मैं मार्क अपने तब देखने लगा तभी देखे वहाँ से कार ली और मुझे एक बंदा स्पॉट पर मैंने उसको ट्राई करा दिया अच्छी बचा होगा लेकिन मैंने उसको दोबारा बंद स्पॉट पर तोड़ना मैंने उस बंदे को स्प्रे किया तो मुझे पीछे पूछता था तो मैं पीछे देखने लगा लेकिन गलती से मेरा रिपोर्ट वाला बटन खुल गया उस बंदे को मैंने भी किल कर दिया। तो गाइस जैसे ही मैंने उस बंदे को मारा तभी वो जीप वाला बंदा था वो मेरे पे रश कर देता है मुझे उसकी बुद्ध की आवाज़ आ गई थी मुझे पता था मेरे पे सीधा रश कर यहाँ पे मैंने देखी थी और जैसे बंदा मैंने उसको एक चोट मारा एक चोट लगा मेरे मेरी आगे मैंने एम4 निकाली और इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर उसको इंस्टेंट फिनिश कर दिया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो गाइस जैसे मैंने इस बंदे को मारा और बंदे स्पॉट करा तभी मुझे वहाँ पे कंटेनर के पास एक बंदा भागते हुए स्पॉट हुआ मैंने उसको दोबारा देखा तो मुझे देखा मैंने स्प्रे दिया उसने ही मेरे को स्प्रे दिया मेरी एकदम अच्छी होती है मैं कभी बाहर भाग गया तो मैंने यहाँ पे हेल्थ वेल्थ लगाई हेल्थ लगा के मैं उस बंदे को दोबारा देखने गया मैंने उस बंदे को दोबारा उसने स्प्रे किया वहाँ खड़ा मैंने उसको थोड़े से स्प्रे देने की कोशिश की लेकिन वो तब उस बंदे को मारने का मैं यहाँ पे लेकर तभी मुझे उसका टीममेट दिखा मैंने उसको थोड़ी सी स्प्रे दी और मैं दोबारा रिलोड करने लगा तो जो मेरे को पीछे देख रहा था किसने मेरे को मारा तो गाइस तभी मैंने उसको थोड़ी सी स्प्रे दी और मैंने देखा था उसको कितना डैमेज दिया लेकिन मुझे उसके टीममेट ने मार दिया। लेकिन अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको मिलता अगली वीडियो में गुड बाय।